क्या होता है मालूम है, ये पब्लिक है, पब्लिक है, सब जानती है। उसके अलावा संजय दत्त साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? कह रहे कि स्टेज फोर का लंग कैंसर हुआ है, लेकिन आपके वीडियो में हमने देखा था कि आपने कहा था कि उनको कुछ नहीं हुआ है, सड़क टू के प्रमोशन के लिए किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? पहला तो वो मेरी डार्लिंग है, बराबर है, और दूसरी बार सूत्रों के अनुसार, ये बोलना जरूरी होता है, सूत्रों के अनुसार ऐसा खबर आया। मेरे भी चाहने वाले हैं थोड़े कुछ, जिनको पता है कि मैं उसको अपनी जाने हो, तो उधर से मेरे को किसी ने बताया कि भाऊ ऐसा कुछ नहीं है, ये सड़क टू का जो ये चालू है, पिक्चर आने वाला है और नेपोटिज्म चालू है ना सब, मेरा बाप की बेटी को लेगा, चाचा के लेगा, भतीजा को लेगा, तो इसके लिए वो बनाया, सब फैमिली आया, तो अभी वो उनको तो कुत्ता नहीं पहचानता है, तो अभी एक ही आदमी है वो पिक्चर में, संजू बाबा, जिसके वजह से पब्लिक पिक्चर देखेगा, तो ये स्टंट है, पब्लिक स्टंट ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा चुप रहे क्या? हाँ वैसे होएगा और क्या, क्योंकि अभी तो वो लीलावती से डिस्चार्ज हो गया था बीच में, थोड़ा तो दिमाग मंगता है कि नहीं, तो डिस्चार्ज हो गया था, तो डिस्चार्ज क्यों करेगा फिर? अच्छा इंसान होएगा तो डिस्चार्ज होएगा ना, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब होता है? जब ठीक होता है तब, तो फटक कर से ये जब इसका ट्रेलर आ गया तो भाई को बना दिया, क्या फोर्थ स्टेट फिफ्थ स्टेट पर पहुँचा दिया, तो ये गलत है। ऐसा किसी का नाम से आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो थू है तुम लोग के जिंदगी पे। तुम्हारे जैसे है ना, मेरे पास बहुत है ऐसे जो मेरे को सुमड़ी में आके कान में बताते, हाँ कि भाऊ बजा इसकी। लेकिन जनता ने कहीं ना कहीं जवाब दे दिया है कि नेपोटिज्म अब नहीं चलेगा, सड़क तो 5 मिलियन से ज्यादा डिसलाइक मिल चुके हैं, 8 मिलियन के ऊपर हो गया। क्या होता है मालूम है, ये पब्लिक है, पब्लिक है, सब जानती है, इनको अगर आप हल्के मिलेंगे ना कि अपन कुछ भी करेंगे, पब्लिक क्या है देखना है उन लोग को, तो ये आपकी गलत फहमी है। हाँ कुत्ता पालो, गलत फहमी नहीं पालने का, तो इन लोग ने गलत फहमी पाले, इसके वजह से लोगों ने इनको इनके औकात बताया, बिठाया था सर पे किसने? पब्लिक ने। अभी रास्ते पे कौन लाएगा? पब्लिक, ऐसा है, तो इन लोग अपने औकात भूल गए, तो अभी पब्लिक उनको उनके औकात दिखा रही है। तेरी मिट्टी से हूँ। भाऊ सबसे पहले हमें बताइए कि टिकटॉक बैन होने के बाद अब जो है टाकी टाकी लेकर आए, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बताइए किस तरह के ऐप हैं। टिकटॉक और कोरोना, ये दो बीमारी था ये इंडिया में, जो अपने देश का नहीं वो अपना नहीं, पटा दिया, बराबर है। इसके लिए मैंने तब ये मुहिम निकाला था, ये टिकटॉक चाइना वाले का है और गद्दारों को मेरे हिंदुस्तान में जगह ने, इसके लिए सबको मेरे फैंस को बोला था इसको हटाने का, तो पब्लिक ने उसको हटा दिया, और मैं वादा किया था कि बहुत जल्दी अपने हिंदुस्तान का ऐप लाएगा, और वो आज लाया। और मेन यानी क्या है मालूम है इसमें, ये ऐप में मेन क्या है, ये ऐप का नाम टाकी टाकी करके है, कि आज तक ऐसा ऐप नहीं बना है कि कोई आपका अगर वीडियो देखता है भी तो पैसा मिलता है, ऐसा किधर आज तक देखा क्या? नहीं मिलता है। तो इसमें वो ऐप में वैसा है कि आप अगर वो वीडियो भी देखते तो कुछ आपको कॉइन्स या कुछ मिलता है उसमें, जिससे आप ना आपका मोबाइल का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिचार्ज कर सकते हैं, ये बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं इसके अंदर, तो इसके लिए ये अपना हिंदुस्तान के लोगों का इसमें बहुत भला हो सकता है, जो और जितने भी टैलेंटेड है, जो बेचारे बहुत ऐसे गली कोचे में मिलते हैं ऐसे, जो अभी बाहर आएंगे, और अपन उसको पहले से अपन तो यूथ को सपोर्ट करता है, अभी भी करेगा, आगे भी बहुत कुछ करने का है। तो क्या आप भी अकाउंट खोलने वाले हैं इसके अंदर? खोल दिया, जब मैं दुनिया को ज्ञान दे रहा हूँ तो पहला तो मैं करूँगा ना, तो पहला मैंने इंस्टॉल कर दिया, अभी शुरुआत हो जाएगी। आज
मेरा गाना अभी लॉन्च हो गया आज ही, नाम इंडिया करके, मेरा फर्स्ट सॉन्ग देश के ऊपर पहला सॉन्ग बना है, और दूसरा ये देश के लिए, जो जो टिकटॉक के टाइम ना बहुत लोगों ने जो अपना टैलेंट बाहर निकाल रहे थे ना, और अभी कहीं ना कहीं वो जाने के बाद, गंदगी जाने के बाद वो बेचारे उदास हो गए थे कि क्या करें क्या करें। तो इसके लिए ये महीने अभी ये किया, और अभी मचेंगे और क्या। ये डायरेक्टर है उनका, शुभांगी करके, ये कंपनी के डायरेक्टर है, इनसे बात करिए अभी, ये बताएंगे पूरा। और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि टिकटॉक में हमने देखा था कि बहुत सारे हेट कंटेंट आ रहे थे, जैसे रेप के ऊपर कोई बना रहा था, देश के ऊपर या फिर जेंडर के ऊपर लोग कंटेंट बना रहे थे, तो उस चीज़ का किस तरह से ध्यान रखा जाएगा इसमें, आप थोड़ा सा अगर बताना चाहें एज अ ब्रांड एम्बेसडर। नहीं ये है ना क्या, वो जो लोगों के, जो लोग भी, कोई भी रहने दे, कोई भी अगर ये ऐप का गलत इस्तेमाल करेगा तो उसके पिछवाड़े पे पहला लात मार के उसका अकाउंट भगा देंगे, वो ज़िंदगी में वापस कभी वो ऐप ये नहीं कर पाएगा, उसका अकाउंट नहीं बनेगा, और जितना जल्दी हो सके उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। इसका गलत इस्तेमाल होने के लिए नहीं बनाया, ये किसी का भला हो जावे इसके लिए बनाया, तो वो दिमाग से निकाल दो कि इसका कोई गलत इस्तेमाल करेगा और हम लोग चुप बैठेगा, झाड़ू डाल के मोर बनाते हैं मालूम ना फिर। हाँ हाँ आगे।